Assalamu alaikum. This is me Naya and this is me Zarsha. We are going to react to BTS new song Butter and let's start the video. ये पीर्सिंग है या वो लगाए हुए हैं क्या कहते हैं बीड स्टिकर्स नो लाइक फ्रॉस्टी क्रिस्टल्स हेयर कलर नहीं वो काफी सूट कर रहा है द आईब्रो पीर्सिंग्स आई थिंक नो इट्स नॉट पीर्सिंग आई गेस मे बी मेकअप आर्टिस्ट ने अपना कुछ कमाल दिखाया इसने जो इसके आईब्रो में उन्होंने यहाँ पर बीड्स लगाए ना वैसे लग रहा है जैसे पीर्सिंग होती पर पीर्सिंग नहीं है आई गेस उसमें कुछ भी कहा है कि पीर्सिंग नहीं है वी लाइव में आप देख सकते हैं उनकी न्यू वी लाइव जो है वो तो हेयर कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको नहीं वो एक्चुअली लग ही ऐसे रहा है कि जैसे पीर्सिंग हुई हुई है हाँ है नहीं स्टिकर है तो वो ओरिजिनल ही लग रहा है ऐसे वो अपने हैंड को किस कर रहा है दे ऑल लुक सो प्रीटी माशाल्लाह वीकन हर मतलब बॉय एंड लव से लेकर ना अब ये जो सॉन्ग आया उसमें यही है कि उसे ग्लास लगा के ना ऐसे करना हाँ वो करता है और उसका ऑरेंज सूट बहुत अच्छा लग रहा है वे इज माय आई कांट ब्रीथ ही लुक सो सेक्सी यार या ही लुक सो सेक्सी और उसके इसका हेयर कलर हेयर कलर रेनबो हेयर कलर पर्पल हेयर कलर नहीं रेनबो हेयर कलर से येलो भी है ज्यादा लग येलो भी है और वो क्या क्या कहते हैं यूनिकॉर्न हेयर कलर वो भी अच्छा अच्छा वो है फिर ठीक है हाँ लेट्स गेट इन का हेयर कलर वो ज्यादा ब्राइट ब्लू और पर्पल कलर में हो गया तो अब ज्यादा इस सीन में वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मैंने कह रहा था कि जिन का जो हेयर कलर है ना वो भी ठीक है उसका सूट भी अच्छा है मतलब उसको ज्यादा सॉन्ग में लाइंस दी गई हैं एक्चुअली हां एक्चुअली जोंगबुक ने लाइंस आ गए हैं लाइक एक्चुअली जोंगबुक इज द बेस्ट मैन एवर हाउ कैन यू से आई थिंक यू कैन से जोंगबुक इज द बेस्ट वोकल In this no, group, coolest yes. man of the world. What? Coolest man of the world. Coolest. Okay, okay. It's okay. But I like Vee. Vee is my bias. Yours? Mine too. But I have two bias. How can you do two bias? One is two bias. मैं मेरे हो सकते हैं. One is Taeyong and second is Jin Jungkook. Jin Jungkook. बट सारे जो हैं वो सारे ही अच्छे हैं मुझे सारे अच्छे लगते हैं यू लाइक मेक ना लाइक ना जिमिन जिमिन जोंगबुक आर वी इफ यू डोंट नो द बैंग्स कॉल द कार्टन बैंग्स वो इस तरह से होती हैं यहाँ तक लाइक मे बी इन 60s 90s उनमें थी इस तरह की और वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है एनिमे स्टाइल भी है और मॉडर्न स्टाइल भी है तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है तुमने नोटिस किया ये वीका स्टाइल कहाँ पर था पहले ऐसे सर
नहीं वो ऐसे लाइट परफ्यूम ऐसे ऐसे करते हैं गाना जो है सॉन्ग इज सो पावरफुल और मुझे लगता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम है 3 मिनट का सॉन्ग है तो जो अभी 1 मिनट और 40 सेकंड का हुआ है आगे देखते हैं सबसे अच्छा जो मुझे मूव लगा ना इस पार्ट में वो था जेहो का देखा नहीं नोटिस नहीं किया मैंने वी का देखा तो तुम कहाँ हो मैं वी का और जंगबुक का देख रही थी उसने मेंस में पोनी मतलब मेंस पोनी टेप की हुई थी बालों की जैसे नहीं लग रहा ये वाला जैसे वॉफल्स होते हैं और ये सारे बटर्स की तरह डांस कर रहे लग वैसे ही रहा लाइक पैनकेक और मे बी वॉफल्स एक सेकंड जियो के बालों का कलर क्या यार इसका है पहले था इसकी सिस्टर की शादी पे था लाइक ब्लॉन्ड कलर था नहीं नहीं पहले ब्लॉन्ड कलर था इसकी सिस्टर की शादी पे ब्लॉन्ड कलर था उसके बाद इसने येलो लाइक चूजों का कलर होता है ना येलो वाला सही वाला येलो वो करवाया था अब ये पार्ट 3 दिन में सॉन्ग बना है अब ये मुझे नहीं पता कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी पार्ट्स में जे होके जो हेयर कलर है ना वो कहीं पर ब्लॉन्ड है कहीं पर येलो थोड़ी सी लुक आ रही है अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से पार्ट्स पहले बने हैं और कौन से बाद में बने हैं अब ये BTS के बिग हिट जो कंपनी है वो इनकी रिहर्सल्स और बैक सीन्स जो वो पोस्ट करेंगे तो तब हमें पता लगेगा कौन से सीन्स पहले हुए हैं और कौन से बाद में हुए आई गेस ब्लैक होंगे पहले ब्लैक होंगे फिर उसके बाद में किसने ब्लॉन्ड करवाया और फिर उसने किसका वो सॉन्ग था इनका ये BTS का जे हो का ये ओ माय गॉड अच्छा था लास्ट पार्ट में Who eats butter with fork? Who eats it? अगर स्पून से वो खाता तो अच्छा नहीं लगना था वैसे जितना उसका पीस है They just want to show that he ate the butter. तो कैसे शो करते By eating by fork. eating with fork. जी अपने पता नहीं कैसे इस सीन को रिकॉर्ड करवाया होगा कितनी बार पता नहीं फिल्म शूट जो है वो हुए होंगे तो बाजी को अच्छा नहीं लग रहा कि वो फोक से बटर खा रहे बट अच्छा था सॉन्ग एग्जांपल करो जे हो की जगह कर कोई और मेंबर होता तो वी मतलब कौन हो वी 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 मतलब एक मेंबर वी को निकाल के जेकर को निकाल के कोई और कौन होना चाहिए जेब को निकाल हाँ ये तीनों को जिमिन हाँ जिमिन क्यूट लग रहा था जिमिन और मैं भी शुगर क्योंकि शुगर का शुगर भी अच्छा था ऐसी लुक और एटीट्यूड लाइक उस तरह
बेसिकली एज अ क्यूट पर्सन बहुत अच्छा है वैसे मुझे स्टार्ट में ना इज मोर लाइक म्याऊ लाइक अपने काम से काम रखने वाला बंदा है किसी को तंग नहीं करना किसी को मतलब क्यूट एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं ना वैसे है। अच्छा तो कितना रेट करोगे इस सॉन्ग को रेटिंग दो अगर 10 में से हमें करनी पड़ेगी रेटिंग तो क्या होगा 10 आउट ऑफ आवर गिव 9 तो 10 आउट ऑफ 9 अच्छा 10 आउट ऑफ 9 तो एक क्यों नहीं 10 आउट ऑफ 10 क्यों नहीं बिकॉज इट्स सो शॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाना बहुत शॉर्ट है हाँ शॉर्ट है मेरी बात आर्मी के लिए बेसिकली गाना जो है ना वो थोड़ा 5 मिनट का तो होना चाहिए क्योंकि अगर सिक्स मंथ और आफ्टर 8 मंथ के बाद अगर नहीं मेरा ख्याल वो भी 4 मिनट की थी शायद थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए ताकि आर्मी अच्छे से इंजॉय कर सके बट हम लोगों ने इस सॉन्ग को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमें बहुत अच्छा लगा उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस सॉन्ग के लिए तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप सब इस सॉन्ग को स्ट्रीम करें सुनें उनको लाइक दें ये मत करें कि हम उनको लाइक नहीं करेंगे आज जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रही है वीडियो तो ये लिखा हुआ है नंबर 1 ट्रेंडिंग फॉर म्यूज़िक तो आपकी कंट्री में जितने भी ये सॉन्ग को देखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू टैग में आ रहा होगा कि ये नंबर 1 ट्रेंडिंग है नंबर 2 और 3 जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुई थी तो मैंने ये देखी थी वीडियो और तुम्हें पता है किस नंबर पे थी 30 नंबर पे अच्छा तो मैंने ना सोशल मीडिया पर देखा है कि काफ़ी लोग इनको हेट कर रहे हैं कि ये मतलब लड़कियों जैसे दिखते हैं और ये मेकअप कर तो मैंने ये कहना था कि आप लोग फेशियल नहीं कराते जब ईद आती है जब आप ड्रामे की कास्ट में जाते हो जब आप कास्ट और एक्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के मेकअप नहीं होते आपके मुँह पर क्या पेस वगैरह नहीं लगती कि आप ऐसे ही उठ के सोए हुए आ जाते बाल में बम फटाए कुछ भी कोई भी ऐसे नहीं सेल्फ केयर होती है यार इतना भी इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए मैं तो यही कहूँगी अगर आप अगर कोई आजकल वो टाइम है कि अगर कोई कुछ नहीं करता मेकअप नहीं करता तो वो उसको कहेंगे कि तुम पेंडू हो अगर किसी को कुछ आता है तो वो कहेंगे ये बहुत स्टाइलिश है ये खुसरा लग रहा है ये फलाना लग रहा है ये टिमकाना लग रहा है तो हमारे स्पेशली पाकिस्तानी आवाम मुझे नहीं लगता कि किसी साइड पर भी खड़े होने वाली है तो इससे बेहतर है कि आप अपने जिस काम में भी लगे हो ना वहीं लगे रहो और किसी के लिए मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है मैं साफ कहूँगी किसी को बुरा लगता है या नहीं लगता मैंने अक्सर टिकटॉक पर देखा है कि जो लड़के हैं ना वो अगर मेकअप नहीं करते तो उन्होंने 600 फिल्टर लगाए होते हैं और वो बहनों की लिपस्टिक चोरी करके ना रेडमी कुछ भी तो वो लगा के ना ऐसे हल्की हल्की के मतलब हमारी जो है हेल्दी स्किन शो तब तुम लोगों का ये जो होता है कि हम खूबसूरत लगे तो ऐसे सबको ही होता है कि मैं अच्छा लगूँ मुझे कपड़े पहने हुए अच्छे लगे तो सारा यही होता है कि टिकटॉक पे हम भी अच्छे लगे मतलब लड़कियों की तो बात हो रहा है उनको मेकअप तो बना ही उनके लिए ठीक है और लड़कों का काम ये है कि वो माओ के दुपट्टे लेकर आते हैं फिर वो वीडियोज़ बनाते हैं जैसे ज़ायदली करता था पहले कि वो दुपट्टा लेके आ जाता था फिर मीम्स बनाता था फिर उसके बाद लोग ऐसे हैं कि हम लोग पहले हेट देते हैं फिर बाद में हम ही लोग उनको सपोर्ट करते हैं ये पाकिस्तानी आवाम का हाल है फिर पता क्या करते हैं यही लोग जो होते हैं ना फिर बाद में उनके ही सॉन्ग्स को अपने टिकटॉक में या वीडियोज़ में लगा के कुछ भी फिर वो जी हम रेटिंग लेने के लिए किया था या हमें भी वो अच्छे लगे फिर कहेंगे हाय आर्मी वेयर आर यू फिर आर्मी उनको लाइक देगी फिर सारा कुछ फिर तब तुम लोग कहाँ होते हो यार है नहीं यार मुझे लगता है कि उनकी जैसे चाइनीज लोग हैं ना उनकी आंखें छोटी हैं उन मतलब कह लो कि उनकी जो सेल्फ केयर है ना तुम लोगों से ज़्यादा है हाँ नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एरिया के हिसाब से हर लोग मतलब अब हम लोग मुसलमान हैं वो तो ठीक है मुसलमान और इलाकों में भी और मुल्कों में भी रहते हैं पर वो हमारे जैसी शक्लें हम जैसी नेचर वैसी नहीं रखते हैं तो इसी तरह हम भी अलग हैं वो भी अलग हैं हम लोग जैसे एक दूसरे को हेट देते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं वो मैं कहती हूँ कि अगर आर्मी उनको हेट भी देती है ना तो वो प्यार से उनको रिस्पेक्ट देते हैं और ये यही मेरा ख्याल से करना चाहिए कि अगर आप किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना तो आपको चाहिए कि आप उसकी हेट कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स भी ना दो हाँ, एक आपका हक ही नहीं है आपको हक किसने दिया किसी ने हक नहीं दिया आपको कॉम्प्लीमेंट करने का आपको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता तो आप कॉम्प्लीमेंट करने आ जाते हो तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बुरा है
आपको अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देगा, हम लोग हेट नहीं करना चाहते किसी को, बस हम लोगों ने एग्जांपल दी कि ऐसे लोग करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको भी वो करना चाहिए जो आपके साथ नहीं हो रहा। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दो। अगर आपको नहीं मिली तो आपकी किस्मत आपको नहीं मिल रही, आपका लहजा इस तरह का होगा कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को समझते हो कि हम पाकिस्तानी हम अच्छे हैं, यहाँ के सब इंसान अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं कहना चाहती, वो भी लोग अपने अपनी कंट्रीज़ में अच्छे हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती है, मैं कहती हूँ किसी की नहीं होती होगी। उनकी कंट्री 40-50% उनकी वजह से चलती है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है, मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ करप्शन है और कुछ नहीं। यहाँ पर ना एक्ट्रेस को उनका पैसे नहीं मिलते एक्टिंग के, और बाद में वो कहते हैं आपको पता है हम टीवी पे आते हैं, हम मैं एक्टर हूँ, आपको पता है मैं टीवी पे आता हूँ, तो इस तरह करके किसी का भी आवाम का मुँह बंद करवा दिया जाता है। आपको जो अच्छी चीज़ लगती है ना वो नहीं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको हेट ना दो, क्योंकि आपका हक ही नहीं बनता कि आप किसी को हेट दो। बस इसी के साथ ये थोड़ा सा लेक्चर मैं काफ़ी टाइम से देना चाह रही थी जो कि मैं नहीं, पाकिस्तान में आर्मी से है और जो इंडिया में है। हाँ, सारंगे हो बोर्ड इन लव ईच अदर नर्सिस्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगी मैं अपना भी और ज़रफ़शाह का भी, डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन के ऊपर भी, आप जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ज़रफ़शाह को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर करते हैं वीडियो एंड। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।